वेलकम यू टू द सिकस्थ मॉड्यूल ऑफ दिस क्राफिक डिज़ाइन कोर्स ऑफर्ड यू बाय ऑनलाइन उस्ता डॉट कॉम अभी तक हम इलेस्ट्रेटर को काफ़ी हद तक कवर कर चुके हैं और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके हैं जिसमें हमने डिज़ाइन प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस किया एंड दैट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट थ्रू आउट दिस डिज़ाइन कोर्स सो फॉर इस मॉड्यूल में वी आर गोइंग टू कवर फोटोशॉप तो फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन है इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जैसा कि एट सिक्सटीन और थर्टी टू बिट इमेज़ में क्या डिफरेंस है फ़ोटोशॉप में पिक्सेल का क्या कॉन्सेप्ट है पिक्सेल और वेक्टर में क्या डिफरेंस है इसके अलावा फ़ोटोशॉप में सेलेक्शन टूल्स कौन कौन से हैं किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं और वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं इसके बाद अगर आप फोटोशॉप में इमेजेस को एडिट करना चाहते हैं पिक्सल्स को रिप्लेस करना चाहते हैं पिक्सल्स के साथ प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से टूल्स हैं जैसा कि क्लोन स्टेम टूल कॉन्टेंट अवे टूल और इस तरह के मुख्तलिफ तो उनको उनका इस्तेमाल भी हम इस मॉड्यूल में देखेंगे सेकेंड फेज़ में इस मॉड्यूल के सेकेंड फेज़ में हम देखेंगे कि कंपोजिट्स क्या होते हैं और कंपोजिट्स बेहतर तरीके से कैसे क्रिएट किए जाते हैं सो so, अगर आपको कंपोजिट्स का अंदाज़ा नहीं है कि वट आर द कम्पोजिट्स सो एक्चुअली इट इज़ कम्बाइनिंग टू डिफरेंट इमेज टू क्रिएट अ वन सिंगल इमेज ठीक है और इसमें पर्सपेक्टिव ग्रिड्स कैसे क्रिएट की जाती हैं परस्पेक्टिव का कैसे ख्याल किया जाता है इन सब चीज़ों को हम इसी मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे तो लास्ट फेज़ के अंदर हम देखेंगे कि जिफ़ कैसे क्रिएट की जाती है फ़ोटोशॉप के अंदर एक्शंस क्या होते हैं और बिल्कुल लास्ट में इंस्पायरेशनल प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं हम मज़ीद किन लोगों से सीख सकते हैं और अदर यूजफुल मटेरियल सो आई बिलीव दैट यू आर एक्साइटेड टू गेट स्टार्टेड विद फोटोशॉप एंड आई एम एक्साइटेड टू सो लेट्स गेट इन दिस मॉड्यूल